हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ व्रत में खाए जाने वाली हरी धनिये की चटनी की रेसिपी। इसे आप व्रत में बनने वाली आलू टिक्की, साबूदाने की टिक्की, आलू लॉलीपॉप, आलू चाट और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ इसे खा सकते हैं। तो चलिए इसे देर नहीं करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। हरी धनिये की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें 3 हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा को 2 भागों में काट कर डालूंगी। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये पिस जाएगा। इसके बाद डालूंगी 1 मुट्ठी हरा धनिया का पत्ता। इसका जड़ निकाल कर इसे अच्छी तरह से मैं वाश कर ली हूँ। इसके डंठल के साथ ही मैं इसे पीसूंगी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक और इसमें 1 से 2 बड़ा चम्मच पानी डाल के इसे अच्छी तरह से हम लोग पीस लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हम लोगों का चटनी अच्छी तरह से पीस के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी तरह से पिसा है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसे एक प्याला में निकाल लेंगे और इसमें हम लोग नींबू निचोड़ देंगे। थोड़ा सा नींबू से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो जब भी आपको इसे खाना हो उसी वक्त इसमें नींबू को मिक्स करें। तो लीजिए, यहाँ पे हम लोगों का लाजवाब चटनी बनके तैयार हो चुका है। तो इस नवरात्रि पे इसे बनाएं और इसे इंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।